सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th फ्लेमिंगो का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग्स जो है ये फॉरगॉटन चाइल्डहुड की कहानियाँ हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपना बचपन ठीक तरीके से नहीं जी पाए या जो ठीक तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, समाज के कुछ ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं। अनीस जंग जो हैं उन्होंने इन कहानियों को लिखा है और वह इनकी लेखिका हैं। तो यहाँ पर गाइज हम लोग देखते हैं कि दो कहानियाँ हमें देखने को मिलेंगी। एक कहानी हमें देखने को मिलेगी साहिब आलम की और दूसरी कहानी हमें देखने को मिलेगी मुकेश की। तो आज जिस कहानी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी फर्स्ट स्टोरी होने वाली है साहिब आलम के बारे में। तो इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आइए इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, किस बैकग्राउंड में है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, ताकि कहानी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1971 के अंदर बांग्लादेश के ढाका नामक स्थान में जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पर बड़े बड़े आंधी और तूफान आते थे। आंधी और तूफान आने की वजह से वहाँ के जो निवासी थे ना तो उनके घर स्थिर रह पाते थे और खेत भी उनके पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते थे। इस वजह से वहाँ पर वो लोग अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहे थे। उसी समय वह बांग्लादेशी शरणार्थी के तौर पर भारत में प्रवेश करते हैं और दिल्ली के एक बाहरी इलाके में आकर बस जाते हैं, जिस जगह का नाम है सीमापुरी। अब सीमापुरी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बड़े बड़े वहाँ पहाड़ आपको दिखाई देंगे जो कचरे के ढेर से बने हुए होंगे, यानी कि कचरे के बड़े बड़े पहाड़ आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग यहाँ पर रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप अपने ढाका जैसे इतने सुंदर और हरियाली भरे क्षेत्र को छोड़ करके आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हो, ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके जहाँ आपके कच्चे मकान हैं, ऊपर आपने तारपुलिन लगा रखा है, नालियों की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, निकास की अधिकांश समय पानी भर जाने के कारण पूरी गंदगी रहती है ऐसी जगह पर, यहाँ पर क्यों रह रहे हो। इस पर उनका जवाब यही होता है कि भाई वहाँ पर हरियाली और खेतों के भरोसे रहने से अच्छा है कि यहाँ पर हम रहें, क्योंकि वहाँ पर हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इस कचरे में से हमारी आजीविका चल जाती है। अब आपके लिए और मेरे लिए सुनने में बड़ी ताज्जुब की बात है, अरे यार कचरे से कैसे आजीविका चल सकती है, हाँ कचरे से कोई इंसान कैसे अपनी लाइफ चला सकता है, अपना परिवार चला सकता है, कचरा कैसे उसके लिए माध्यम हो सकता है, इसी बारे में ये कहानी। ठीक है गाइस, अब ज़्यादा देखिए, ज़्यादा सस्पेंस तो सारे अभी खोलूंगा नहीं, क्योंकि कहानी में भी हम लोगों को कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर साहिब आलम और उसका परिवार जो है वो भी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं और यहाँ पर आकर के सीमापुरी में रह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे इस कहानी की पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड सेटअप है। इसी में हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहानी शुरुआत होती है या जहाँ पर हमें कहानी का टाइटल मिलता है, वहाँ पर सबसे पहले एक ही बात कही जाती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कि कई बार मुझे कचरे के ढेर में एक रुपया मिल जाता है और कई बार 10 का नोट भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हो रहा है। तो गाइस इस कहानी में हमें दो मुख्य किरदार देखने को मिलेंगे, एक अनीस जंग जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और दूसरा साहिब आलम। अब साहिब आलम एक 8-9 साल का एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो कि सामान्यतः अपने दोस्तों के साथ कचरा बीनने का काम करता है। तो ये साहिब आलम है जो सीमापुरी में रहता है और अपने दोस्तों के साथ कचरा बीनने का काम करता है। तो अनीस जंग जब इनसे पहली बार मिलती है तब इनसे बातचीत करना शुरू करती है, इनके बारे में और जानने की इच्छा रखती है, तो और इनके बारे में गहराई से चीज़ें जानने का प्रयास करती हैं। तो इस पर सबसे पहले जहाँ कहानी शुरू होती है वहाँ अनीस जंग इनसे पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तुम लोग ये कचरा क्यों बीनते रहते हो या कचरा बीनने का काम तुम लोग क्यों करते हो। डेली सुबह वह उन्हें देखती है कि नंगे पैर चलने वाले एक बच्चों की पूरी आर्मी है, एक बच्चों का पूरा बड़ा सारा समूह है जो अपने कंधे पर थैला टांगे हुए या कई बार हम बोल देते हैं कट्टा या बोरी टांगे हुए और कचरा बीनने के लिए निकल जाते हैं, और डेली सुबह वह उन्हें कचरा बीनते हुए वहाँ पर देखती है। तो साहिब जो कि बहुत ही लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ चुका है, उसका घर जो कि ढाका में था जहाँ पर हरे भरे खेत थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें बताती है कि भाई जो खेत थे वो तो हमारे जो हवाएं आती थी, तेज़ हवा या तूफान आता था वो उड़ा कर ले जाते थे, हमारे घर भी उड़ा के ले जाते थे। तो इस पर साहिब आलम अब कहता है कि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है,
तो जब लेखिका ने पूछा ना कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, भाई क्यों तुम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हो, है कचरा बीनने निकल जाते हो सुबह सुबह, क्यों बीनते हो, बोले हमारे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। तो इस पर जो अनीस जंग है वो कहती है बोले स्कूल जाया करो। तो इस पर वो एकदम से चुप हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते कि स्कूल जाया करो। पर भाई स्कूल जाने को हम तो तैयार हैं, हम तो चले जाएंगे स्कूल, लेकिन भैया जब वो बना देंगे, वो कौन, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एनजीओ, जब वहाँ पर कोई स्कूल बना देंगे तो हम स्कूल चले जाएंगे, अभी स्कूल है नहीं तो हम कहाँ स्कूल जाएं। तो इस पर अनीश जंग वैसे ही केवल उसका मन जानने के लिए पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल चालू करूँ तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे, अगर मैं स्कूल बनाती हूँ अपने यहाँ पे तब आ जाओगे फिर पढ़ने के लिए। तो खुश होकर के सभी कहते हैं कि हाँ हम ज़रूर से आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आ जाएंगे अगर आप एक स्कूल चालू करते हैं तो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये पहला परिचय, प्रथम परिचय होता है अनीश जंग का और साहिब आलम का, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की वे कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अनीश जंग जब अपने घर के बाहर खड़ी होती है तभी ये जो साहिब आलम है ये भाग करके उसके पास आते हैं और आकर के पूछते हैं कि आपका स्कूल चालू हो गया क्या। और अचानक से अनीश जंग को इस बात का एहसास होता है कि ना चाहते हुए भी उसने बच्चों से कोई ऐसा वादा कर दिया है या उनके मन में एक ऐसी उम्मीद जगा दी है जो वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे वंचित बच्चे जो हैं या वंचित वर्ग के लोग जो हैं उनसे इस तरह के खोखले वादे दुनिया भर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग बाग करते ही रहते हैं। तो अनीश जंग को ऐसा लगता है कि कहीं जाने अनजाने में मैं भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा हो गई कि मैं बस पूछना चाहती थी कि भाई अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आ जाओगे क्या, लेकिन मेरे इस प्रश्न ने ही इन बच्चों के दिल में एक उम्मीद को जगा दिया है कि भाई अब जो हमारी मैम है, अनीस मैम है, वो स्कूल खोलेंगी और हम वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। इसीलिए साहिब आलम तेज़ी से दौड़ता हुआ उनके पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल चालू हो गया क्या। और इस प्रकार जब वह पूछता है तो अनीश जंग उस बात को सुन करके थोड़ी स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं कि भाई स्कूल इतना जल्दी नहीं शुरू होता, स्कूल शुरू करने में बहुत समय लगता है, और ये कहते हुए आत्मग्लानी से भर जाती हैं, गिल्ट उनके मन में बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर इस प्रकार से उनकी मुलाकातें कई बार होती रहती है, लेकिन कई महीनों तक वह उससे मिलती रहती है लेकिन उसका नाम नहीं पूछती है। लेकिन कई महीनों के बाद वह उसका उनका नाम पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर वह जवाब देता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम नाम सुनकर के लेखिका जो है अनीश जंग वो एकदम से स्तब्ध रह जाती है। स्तब्ध क्यों रह जाती है, चौंक क्यों जाती है, क्योंकि वह जानती है कि साहिब आलम का मतलब क्या है, और ये बच्चा जो मेरे सामने खड़ा है अगर इसे अपने नाम का वास्तविक अर्थ पता चल जाए तो शायद इसे बहुत लंबा समय लग जाएगा उस बात पर या उस अर्थ पर विश्वास करने में भी, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस पूरी कायनात का मालिक। यानी कि नाम जो है वो तो ऐसा है कि भैया मालिक हैं पूरी कायनात के, साहिब आलम हैं, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो उसकी सामाजिक दशा कैसी है, उसकी आर्थिक दशा कैसी है, उसकी शैक्षणिक दशा कैसी है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए और साथ में उनके नाम को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दो बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें हैं, बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आँखों का अंधा और नाम नयन सुख, तो नाम तो भैया नयन सुख है कि बहुत नयनों का सुख है, आँखों का बहुत सुख है, लेकिन वास्तविकता में नयन सुख की स्थिति क्या है कि आँखों से वह अंधा है। तो यही साहिब आलम का अर्थ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि साहिब आलम उसका नाम है जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत है। और इसी विचार के साथ ये कहानी और आगे बढ़ती है कि एक बार ये देखती है, महसूस करती है हमारी लेखिका कि भाई ये सारे के सारे बिल्कुल चिड़िया के बच्चों की तरह हैं जो सुबह सुबह जब कम धूप होती है तब अपने घरों से निकल जाते हैं कचरा बीनने के लिए, और दोपहर में बिल्कुल पक्षियों की तरह गायब हो जाते हैं। और जब एक बार वह देखती है कि सारे बच्चे हमेशा नंगे पैर ही चलते रहते हैं तो वह उनसे पूछती है कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो इस पर वो जवाब देते हैं सारे बच्चे, बोले कि भाई चप्पल, बोले पहली बात तो हमारे पास है ही नहीं चप्पल, और जो चप्पल है वो भी मम्मी ने ताक में ऊपर रखी हुई है। तो उनमें से एक दूसरा बच्चा कहता है, बोले कि भाई ताक में ऊपर रखी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी मम्मी उतार के दे भी देंगी ना वो चप्पलें मुझे, मैं तब भी वो चप्पल नहीं पहनना चाहता। क्यों नहीं पहनना चाहता, क्योंकि दो चप्पल है, दोनों अलग अलग जोड़ी की चप्पल है, मतलब मैचिंग वाली चप्पल नहीं है, एक चप्पल किसी और जोड़ी की, एक चप्पल किसी और जोड़ी की। इसी पर एक बच्चा कहता है कि भाई मुझे जूते चाहिए, यानी कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, केवल एक जोड़ी जूते चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक ढंग की जोड़ी पहनने लायक जूते हो, ऐसा वह अपनी इच्छा को प्रकट करता है। और जब ये बच्चा अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे जूते चाहिए, तभी फिर से अनीश जंग जो है वो अपने ख्यालों में खो जाती हैं कि न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे परिवार हैं
जिनके छोटे छोटे बच्चे गर्मी के समय में तपती जमीन पर नंगे पैर ही चलते रहते हैं। अब कई लोग इसमें बहाना देते हैं कि भाई ये गाँव में बच्चों का नंगे पैर रहना तो एक तरह की परंपरा है, मतलब ये उनके खेल का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जूते नहीं है इसलिए नहीं पहनते, या चप्पल नहीं है इसलिए नहीं पहनते। वो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो नंगे पैर दौड़ना चाहते हैं, नंगे पैर ही खेलना चाहते हैं। लेकिन लेखिका कहीं ना कहीं ये मानती है कि उनकी निरंतर चलती हुई और कभी समाप्त ना होने वाली गरीबी को छुपाने का बहाना मात्र है ये बात। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती। अब जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं गाँव में जाता था बचपन में खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। डेफिनेटली मेरे पास चप्पल जूते थे लेकिन मैं पहनता नहीं था क्योंकि गांव में कोई नहीं पहनता था। आप लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं मुझे बताइएगा सच में कि जब आप छोटे छोटे थे सच में आप जूते चप्पल पहन के खेलते थे क्या घर में या घर के आसपास अपने दोस्तों के साथ, हैं गुल्ली डंडा वगैरह खेलते हुए? कौन पहनता चप्पल, अच्छा नहीं लगता चप्पल पहनना। लेकिन अनीश जंग यहां इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं कि नहीं भैया, मुझे ये लगता है कि ये केवल और केवल निरंतर या सतत चली आ रही गरीबी को छुपाने का एक बहाना मात्र है कि बच्चे चप्पल नहीं पहनना चाहते, ऐसा उसे लगता है। उसी पर फिर वो कहती हैं कि भाई मुझे कहानी याद आती है उडीपी, जो कर्नाटक के अंदर एक क्षेत्र है, एक जगह है उडीपी जिसका नाम है, वहाँ के एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में क्या था, उसने अनीश जंग को बताया कि एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, वो मंदिर के पुजारी का बच्चा था और उसके पास जूते नहीं थे। तो उस मंदिर में जो देवी बैठी थी वह उन देवी से हमेशा प्रार्थना करता रहता था कि हे माता रानी, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी जूते दिला दो, एक जोड़ी जूते दिला दो। हमेशा वह माता रानी से या फिर देवी से, गॉडेस से हमेशा एक ही प्रार्थना करता रहता था। अब इस पे कई सालों के बाद, 30 वर्ष के बाद, जब अनीश जंग खुद उस मंदिर में जाती हैं तो उस मंदिर में पीछे की तरफ ही, यानी कि उस मंदिर के पीछे के भाग में ही पुजारी का निवास स्थान होता है जहां मंदिर के पुजारी रहते हैं। वहां पर वो देखती है कि कुर्सियां पड़ी है, एक खाट बिछी हुई है, वहीं पर ग्रे कलर की स्कूल ड्रेस पहन करके एक बच्चा आता है और वो अपने बैग को उठाकर थका हुआ सा आता है स्कूल से और सीधा उस पलंग पर डाल देता है। अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं माचा, मचिया या मचान, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हमारे यहाँ राजस्थान में उसको माचा कहते हैं। तो माचे पर वो उस बैग को पटक देता है। उसने शूज़ भी पहने होते हैं और सॉक्स भी पहने हुए होते हैं। वह बस मन में यही विचार करती है कि भाई कैसे जो एक और बच्चा था इसी तरह का, जो पुजारी का पुत्र था, वह माता रानी से प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए और यहाँ पर देखिए इसे एक जोड़ी जूते मिल भी गए। अब बस ये भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मैं इन जूतों को कभी भी खोना नहीं चाहूँगा। क्यों खोना नहीं चाहूँगा? और ये मतलब पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को बताता है कि भाई खोना नहीं चाहूँगा इसका मतलब क्या है कि इतनी गरीबी होने के बावजूद, आर्थिक तंगी होने के बावजूद, एक बार पहली बार मुझे जाकर के अब जूते मिले हैं और मैं कभी भी इन जूतों को खोना नहीं चाहता, भले ही गरीबी का स्तर जो है या गरीबी की निरंतरता चलती रहे, तब भी मैं इन जूतों को खोना नहीं चाहता हूँ, इन्हें ध्यान से रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो अनीश जंग सोचती है कि मेरे घर के आसपास अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नंगे पैर ही घूम रहे हैं, उनके पास जूते चप्पल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय पर ये जूते चप्पल नहीं पहनने वाले बेयर फुटेड आर्मी जो है, नंगे पैर चलने वाली आर्मी जो है, ये जो अनीश जंग है लेखिका, उन्हें अपने क्षेत्र में सीमापुरी में ले जाते हैं। वहाँ जाकर के उन्हें पता चलता है कि 1971 में बांग्लादेश से ये लोग आकर के यहाँ बसे हैं सीमापुरी के अंदर। अवैध रूप से ये लोग बसे हुए हैं, इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन किसी राजनेता ने आकर के इनका राशन कार्ड बनवा दिया ताकि इन्हें कम से कम दो वक्त का खाना राशन जो है वो मिलता रहे, और साथ ही साथ इनका वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया ताकि ये समय समय पर या जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तब ये वोटिंग दे करके उन राजनेताओं का समर्थन कर सकें। तो इतना कार्य ज़रूर कर दिया गया है। अब जब मैंने पूछा कि भाई आप अपने सुंदर खेतों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, तो वहाँ पर मैंने देखा पहले, मैंने मतलब अनीश जंग जो कहती हैं, मैंने देखा पहले कि भाई जो औरतें हैं वहाँ पर उन्होंने टैटर्ड साड़ीज पहन रखी है, यानी कि फटी पुरानी या तुर्प की हुई या फिर से सिली हुई साड़ियाँ उन्होंने पहन रखी है। वो कहते हैं कि भाई बिना पहचान के यहाँ रहना
फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पहचान नहीं चाहिए, हमें दो वक्त की रोटी चाहिए, जो ढाका में हमारे लिए संभव नहीं था। ढाका में हमें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, यहाँ भले हमें पहचान मिले चाहे ना मिले, लेकिन कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिल जाती है खाने को। वहाँ पर अगर आप उनके घरों की दशा देखोगे तो वहाँ पर कच्चे पुराने घर बने हुए हैं, जिनकी तारपुलिन की छतें बनी हुई है, तरपाल जिसको अपन बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि सही तरीके से पानी वहाँ से निकल नहीं पाता, और बस वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए बस अपने जीवन का लक्ष्य एक ही है, दो वक्त की रोटी। उसके अलावा उससे ऊपर उससे ज़्यादा उनके जीवन का कोई ध्येय कोई लक्ष्य नहीं है। तो कचरा बीन करके, कचरा चुन करके, अब कचरा चुनना अपने आप में एक कला है। अगर कचरा चुनने की बात करें कि भाई जो भी कचरा रोड पे दिखे सारा उठा करके ले आए, तो ऐसा नहीं होता, ये कचरा बीनना या कचरा चुनना नहीं कहलाता। यहाँ पर ये लोग जो काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिसाइकलेबल है, यानी कि जिसको सही करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर रीयूजेबल है, पुनरुपयोगी है, वापस से आप उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर उसे बेच करके, किसी कबाड़ी वाले को बेच करके उससे दो पैसे की इनकम की जा सकती है, वही चीज़ ये लोग उस कचरे में से चुनते हैं और उन्हें बेच करके अपने घर का काम चलाते हैं, अपनी घर गृहस्थी का खर्चा उठाते हैं। इसी तरीके से इनका जीवन चलता रहता है, बच्चे जो है अभी बाद में बड़े हो जाते हैं और इसी जीवन संघर्ष में एक दूसरे के साथी बनते हैं, और साथी बनके वे भी अपने परिवार को वहीं शुरू कर लेते हैं और उसी तरीके से उनका जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से हम सीमापुरी में देखते हैं लगभग 10,000 परिवार वहाँ पर वंचित अवस्था में और बहुत ही दुर्धर स्थिति के अंदर वहाँ पर वे अपना जीवन जी रहे हैं। तभी वापस हम देखते हैं कि साहिब आलम की बात हमें वापस से यहाँ पर सुनाई देती है, दिखाई देती है, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये। तो इस पर वो क्या कहता है कि भाई मैं खोजना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपको कूड़े के ढेर में एक बार अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसे ढूंढना या खोजना बंद नहीं कर सकते। लेकिन कचरे के भी यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। किसी के लिए कचरे का मतलब एक जॉय है, एक मज़ा है, एक आनंद है, जैसे बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए कचरा बीनना क्या है, उनके लिए उनका खेल है, वो उनके लिए उनका स्पोर्ट है कि यार बड़ा मज़ा आता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे आश्चर्य से भरा हुआ है कचरा, कभी भी कोई भी सरप्राइज़ मिल सकता है। तो बच्चों के लिए उस कचरे का अलग अर्थ है, वहीं पर उनके माता पिता के नज़रिए से हम देखते हैं तो उनके लिए उस कचरे का अलग महत्व है, क्योंकि माता पिता के लिए वो कचरा क्या है, आजीविका चलाने का साधन है, यानी कि दो पैसे कमाने का साधन है जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। इसी के साथ कहानी हमारी आगे बढ़ती है, अनीस जंग वापस घर आ जाती हैं। कुछ समय के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि सर्दी की एक सुबह है और टेनिस कोर्ट के बाद, यानी कि जहाँ पर टेनिस खेला जाता है, टेनिस का जो मैदान है लॉन टेनिस का, उसके पास में, उसके बाहर की तरफ साहिब आलम खड़ा है और उन सब बच्चों को खेलते हुए देख रहा है, टेनिस खेलते हुए देख रहा है। और जब अनीस जंग उसके पास आती है तो वह कहता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। इस पर अनीस जंग मन में सोचती है कि बेटा ये खेल जो है तुम्हारी लीग से बहुत बाहर है, क्योंकि नॉर्मली जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वही इस खेल को खेल पाते हैं। लेकिन वह ऐसा उसे कुछ भी नहीं कहती है, उसे हतोत्साहित नहीं करती है। इस पर वही आगे होके कहता है कि यहाँ का जो गेटकीपर है ना, जो द्वारपाल है, जो यहाँ पर गार्ड साहब हैं, वो गार्ड साहब कभी कभी मुझे अंदर जाने देते हैं तो मैं अंदर जाके खुश हो जाता हूँ, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं तो कभी मैं झूले झूल लेता हूँ। इस तरीके से वह बताता है कि कभी कभार वह अंदर चला भी जाता है। इसी दौरान जब हमारी अनीस जंग खड़ी है उसके साथ, तो उनका ध्यान उसके पैरों पे जाता है, तो उसने जूते पहन रखे हैं, वाइट कलर के शूज़, जो टेनिस शूज़ होते हैं वो उसने पहन रखे हैं, टेनिस में इस्तेमाल किए जाने वाले जूते वह पहन करके वहाँ खड़ा है। और ऐसा देख करके उसके मन में विचार आता है कि भाई तुम्हारे पास ये जूते, बोले कि मैंने कहीं से लिए नहीं है, किसी ने मुझे दिए हैं, मतलब मैंने चोरी वगैरह नहीं की है, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं इसलिए मैंने पहन लिए। हो सकता है कि भाई उसे ये जूते पहनने में तकलीफ़ हो, क्योंकि इसमें से एक जूता जो है वो नीचे की तरफ से फटा हुआ है, उसमें छेद हो गया। तो मैंने, यानी कि साहिब आलम ने, जिसने जीवन में आज तक एक भी जूते की जोड़ी जिसके पास नहीं रही, तो कहता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर एक पैर के अंदर छेद भी है और ऐसे जूते अगर मुझे पहनने पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऐसे जूतों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से वह बताता है किस तरीके से उसे ये जूते मिले, और पहली बार वो दो पैरों में एक जैसे जूते पहन पा रहा है, अलग अलग रंग वाले जूते नहीं पहन रहा है। उसके कुछ ही दिनों बाद अनीस जंग देखती हैं कि साहिब आलम दूर से चला आ रहा है और उसके हाथ में एक कनिस्तर है, जो कि दूध का कनिस्तर है, यानी कि आपने कनिस्तर देखा होगा, केतली बोल लेते हैं अपन कई बार,
तो दूध की केतली लेकर के आ रहा है और धीरे धीरे सर झुकाया हुआ सा अनमनासा चलता हुआ उसकी ओर आ रहा है। जब वो उससे बात करती है तो बताता है कि नीचे चाय की दुकान में मुझे काम मिल गया है, 800 रुपये महीने की मुझे तनख्वाह मिलेगी, उसके अलावा सभी वक्त का खाना वो मुझे देंगे। लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आती। भाई नॉर्मली अगर आपकी या मेरी कभी नौकरी लग जाए तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि अरे वाह आप तो जॉब लग गई, नौकरी लग गई, मज़ा आएगा, पैसे कमाएंगे। लेकिन वो खुश नहीं है, वो इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके चेहरे पर वो निराशा बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही। और वो निराशा क्यों है उसके चेहरे पर? उसके चेहरे पर निराशा इसलिए है क्योंकि जब वो कचरा बीनता था तो वह अपना खुद का मालिक स्वयं था। उसे कोई बता नहीं सकता था कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। लेकिन ये कनिस्तर जो उसके हाथ में है, ये उसे परतंत्रता का बोध करा रहा है कि भाई अब मैं अपना मालिक स्वयं नहीं रहा, जैसे मेरे दुकान के सेठ जी कहेंगे वैसे ही मुझे काम करना पड़ेगा। तो वह कहता है कि भाई ये जो कनिस्तर है जिसमें बहुत कम दूध है, ये मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, और इसके बजाय जो मैं कचरे का थैला उठाता था वो थैला मुझे हल्का लग रहा है, क्योंकि ये कनिस्तर कहीं ना कहीं मुझे परतंत्रता का बोध करा रहा है। इस तरीके से वह अपने भावों को दर्शाता है। स्वतंत्र और परतंत्र होना पूरी तरह से एक आपका वैचारिक मामला है। आप विचार करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप विचार करते हैं कि आप परतंत्र हैं तो आप परतंत्र हैं। तो ये पूरी तरह से वैचारिक है। तो उसकी वैचारिकता में ये आ गया है कि भाई अब मैं कहीं ना कहीं अपना मालिक नहीं रहा, जैसे चाहूँ वैसे अपनी लाइफ नहीं जी सकता, अपना जीवन नहीं जी सकता, मुझे अपने मालिक के कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। इस तरीके से हम उसके विचारों को यहाँ पर समझते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आए। अगर आप इस कहानी को अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। उसमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से कहानी को समझेंगे और कुछ गूढ़ भाव अलग अलग स्थानों पर कुछ अनीस जंग में देखने को मिलेंगे, कुछ वो टैटर्ड साड़ीज वाली जो लेडीज़ हैं जो कि सीमापुरी में रहते हैं वहाँ पर भी कुछ भाव देखने को मिलेंगे, और कुछ भाव हमें साहिब आलम के भी देखने को मिलेंगे। उनके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और हाँ, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर द लास्ट लेसन जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिए इसे, ठीक है गाइस? तो फर्स्ट लेक्चर भी आप देख सकते हैं, सेकंड लेक्चर भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।